बीकानेर से खबर है, फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद एक्शन में आया है प्रशासन। 6000 बीघा सरकारी जमीन आवंटन घोटाला प्रकरण, छतरगढ़ इलाके में जमकर हुई जमीन की बंदरबांट। तत्कालीन तहसीलदार दीप्ति, सुरेंद्र, कुलदीप सहित 19 के खिलाफ FIR। तहसीलदार राजकुमारी ने दर्ज कराई छतरगढ़ थाने में FIR। SP तेजस्विनी गौतम ने FIR की पुष्टि कर दी। दरअसल इस प्रकरण को लेकर CS को भी शिकायत हुई थी। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, जमीन आवंटन में घोटाले की बात आ रही थी, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई और अब असर देखा जा रहा है, लेकिन क्या असर और एक्शन हुआ है वो आप बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, पहले भी असर हुआ था। चीफ सेक्रेटरी को शिकायत गई थी तो थोड़ा कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त ही देखा गया कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ उस तरह का एक्शन नहीं लिया गया जो लिया जाना चाहिए था। इस बात की भाजपा नेताओं ने भी नाराजगी जताई। आप समझ सकते हैं, 6000 बीघा जमीन जो है उसे इस तरह से गलत तरीके से आवंटित करने के आरोप लग रहे हैं, बंदरबांट करने के आरोप लग रहे हैं, कूट रचित दस्तावेजों के जरिए आवंटित करने के आरोप लग रहे हैं। तो उसमें ऐसा किया गया था, तो तहसीलदार है दीप्ति, उनके खिलाफ भी FIR हुई है और तहसीलदार उनके खिलाफ भी FIR हुई है। पहले ये हुआ था कि जांच तक बदल दी गई थी पुलिस में, तो अब मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी और सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। खासतौर पर आप जानते हैं करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, वो उनको मिलनी थी जो जमीन जिनके पास नहीं है या जो विस्थापित है, और इस जमीनों को जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से दे दिया। हालांकि अभी भी एक सवाल है कि जिन लोगों पर इस तरह के आरोप है उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिली हुई है, तो इसको लेकर भी एक शिकायत, मुझे जो जानकारी मिली है, CMO भेजी जा रही है कि जिन तहसीलदारों पर इस तरह की FIR हुई है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं उन्हें किस तरह से फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। तो एक बड़ा मामला है, इसकी कितनी गहराई से जांच हो पाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है सरकार इसे बड़ी गंभीरता से ले रही है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अभी 3 दिन पहले ये खबर चलाई थी कि बहुत बड़ी मछलियां बची हुई हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई की हो रही है, तो मुझे लगता है उसके बाद से ही प्रशासन भी गियर अप हुआ है। और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो कर ही रहे हैं मॉनिटरिंग, तो लगता है इस पर कार्रवाई जो है अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, और एक्शन से फिर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज।